फिर चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ इस महल का चारों तरफ का। हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर ब्लॉग। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब चैनल जरूर सब्सक्राइब। ये अपने इस ब्लॉग का फोर्थ पार्ट है। राजा महल के अंदर, मैसूर के अंदर मैं गया हूँ। जो आपको सामने दिख रहा है ये था कुश्ती अखाड़ा, उस टाइम का कुश्ती अखाड़ा था। और जो नीचे के अंदर, यहाँ पे दशहरे के दिन यहाँ कुश्ती होती है, तो नीचे के अंदर मेट डाल दी जाती है। ऊपर का हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना अच्छा और कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ का। तो गाइज, अभी तक चैनल नहीं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे आल पे ज़रूर क्लिक कीजिए। उसके बाद में हम आगे जाएंगे तो ये देख रहे हैं नी आप, ये लिफ्ट है। अब उस टाइम की लिफ्ट आप देख सकते हैं, उस टाइम भी महल के अंदर लिफ्ट यूज़ की थी। तो आप इतना ज़रूर सोचिए कि इस महल को कितने अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। उसके बाद के अंदर अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, अभी आप आगे जाएंगे तो यहाँ पे गाइज हम आगे आए हैं। तो यहाँ पे ये रॉयल चेयर रूम, यानी आप इसको कह सकते हैं कि राजा का रूम। और इसके सामने यहाँ पे एक मिरर लगा रखा है, इसके अपोजिट साइड भी दोनों साइड मिरर है। उसके बाद के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे है चेयर लगा के रखी हुई, ये दोनों चेयर, दोनों साइड दो दो चेयर है। गाइज ये दोनों चेयर है, ये है पूरी चांदी की लगा के रखी हुई है, बहुत वजनदार है। ऐसे छोटी आपको दिखाई दे रही है। ये सामने जो दिख रहे हैं ये हाथी के दांत थे, जो राजा के खास हाथी था, उस हाथी का नाम था गजेंद्र हाथी। इसका मुंह भी यहाँ पे लगा के रखा है। गाइज इसके बाद हम जाएंगे तो पूरे रूम के अंदर जितने भी हाथी थे राजा के पास, जो पहले जो युद्ध के अंदर कोई शहीद हो गए थे या किसी कारण उनकी मृत्यु हो गई थी या बाद के अंदर मरे, तो उन जितने भी टोटल हाथियों के दांत इस पूरे रूम के अंदर रखे हुए हैं अभी भी। और उसके एक खासियत बात देखिए कि जितने भी दांत रखे उसके नीचे भगवान की फ़ोटो हैं। ऊपर के अंदर देखिए, आप जूम करके दिखा रहा हूँ, ये थोड़ी दांत है, और नीचे के अंदर आप देखेंगे तो भगवान के फ़ोटो हैं। सभी प्रकार के भगवानों की फ़ोटो यहाँ रखी हुई है। उसके बाद के अंदर अभी आप आगे जाएंगे तो ये है यहाँ का राजा था, राजा का जो अभी साइड के अंदर है वो उनका विश्वास पात्र, जो उन पर विश्वास रखता था। और उसके बाद के अंदर हम आगे जाएं, आगे आपको दिखाऊंगा, ये ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर है, जो यहाँ हम अलाउ नहीं है। और उसके बाद के अंदर अब आगे जाएंगे, आगे आते हैं तो ये है यहाँ का सुप्रीम कोर्ट, मतलब उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं। राजा यहाँ पे आम लोगों की समस्या सुनता था। और उसके बाद के अंदर ये साइड के अंदर आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर जो इन सामने यहाँ पे राजा बैठता था, और जो साइड के अंदर जो ये प्रकार छोटे छोटे चेयर यहाँ पे आपको दिख रही नहीं, जो इनके मंत्री थे उस टाइम के, जो इनके मतलब इनके राजा के नीचे जो काम करते थे वो लोग बैठते थे। और जो सामने अभी आपको मैं दिखाऊंगा गाइज, यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो लोगों की समस्या, जो लोग बैठते थे अपनी समस्या बताने के लिए, तो गाइज यहाँ पे इस सामने ग्राउंड के अंदर, जो सामने का मेन गेट है, इस ग्राउंड के अंदर लोग बैठते थे और राजा यहाँ बैठ के इन लोगों की समस्या सुनता था इन लोगों के द्वारा। और उसके बाद में हम आगे जाएंगे गाइज, राजा यहाँ से एंट्री करता था। ये चांदी की गेट है, अभी आज भी है जो मैं अब बता रहा हूँ, ये चांदी की गेट है। ये टोटल दो गेट थे और दो सामने देख रहे हैं, ये चंदन की लकड़ी की गेट है इसके अंदर। और उसके बाद में हम गाइज आगे जाएंगे, आगे जाएंगे तो ये टोटली आपको दिख रहा है गाइज, ये टोटल है यहाँ पे युद्ध के अंदर, जो भी युद्ध के अंदर जो राजा पहन के जाते थे या राजा उस टाइम पहनते थे, या नीचे देखिए ओम ओम रखा हुआ है एक, तो वो जो पूजा के अंदर यूज़ करते थे। अब घंटी है, जो घंटी यहाँ पे रखा हुआ है बहुत, जो हाथी गलों गले के अंदर पहनती थी वो सभी, मतलब जो युद्ध के अंदर चीज़ यूज़ होती थी या फिर राजा खुद कुछ यूज़ करता वो चीज़ें अभी भी इसके एक मिरर, एक शीशा बना के यहाँ बाहर की तरफ रखी हुई है। तो गाइज अभी चैनल नहीं सब्सक्राइब तो जाके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज पैलेस के अंदर जाके आ गए, अंदर का बहुत अच्छा नज़ारा, लेकिन अभी इसका बैक साइड और देखते हैं, मतलब बहुत बचा हुआ है। तो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ फिर एक मंदिर है श्री प्रसन्न कृष्ण स्वामी टेम्पल, और अभी जाएंगे। गाइज गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, अभी 2 बजे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर और ज़्यादा थी लेकिन पता नहीं लगा देखते देखते, एक आधा घंटे से ज़्यादा लगा। तो जब भी आप मैसूर आए तो इसका टाइमिंग आपको बता देता हूँ, सुबह 9 से लेके शाम को 8 बजे तक रहेगा, लेकिन मंगलवार के दिन ये बंद रहता है, क्लोज रहेगा, सिर्फ मंगलवार को बंद रहता है वीक के अंदर। फिर एक यहाँ एक टेम्पल आपको दूर से दिखाई, अभी पास से दिखा देता हूँ, कितना अच्छा और कितना सुंदर, पुराने टाइम के अंदर ये बना के रखा है, उस टाइम का बना हुआ टेम्पल, अभी तक कितना साफ सुथरा। लेकिन ये तो बात करनी पड़ी, कितना सुंदर पैलेस है, अंदर से इतना क्लीन है। और इसे ये मंदिर, ये देखिए, और फिर यहाँ इनका एक पार्क, राजा बैक साइड से ये पार्क है, यहाँ नो एंट्री, यहाँ नहीं जा सकते, लेकिन आपको मैं दूर से दिखा देता हूँ।
गाइज कमेंट ज़रूर करना मैसूर कौन कौन आया और किस किसी ने ये मैसूर पैलेस देखा है। नहीं देखा तो जब भी कर्नाटक में मैसूर जरूर आके जाना और ये पैलेस ज़रूर देखना। यहाँ एक्वेरियम बहुत चीज़ें देखने में, लेकिन पैलेस सबसे बड़ा और सबसे सुंदर जगह है। यहाँ पार ये पुराने टाइम के उस टाइम के पेड़ देखिए और लाइटिंग की आपको बता देंगे। यहाँ भी एक छोटा सा सिस्टम लाइट का किया हुआ है, ये देखिए पुराने टाइम के पेड़, ये सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ मत पूछिए, आज ज़्यादा ही, तो कल छुट्टी रहेगी तो लोग आज ही आ गए हैं और स्कूल सब स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए दो तीन दिन के बाद सभी लोग बच्चों को दिखाने के लिए आ रहे हैं। देखिए पूरे कर्नाटक के अंदर दो दो चीज़ें हैं सब, बना रखे कैंटीन, कुछ खा सकते हैं कुछ भी, और लेकिन अंदर है साड़ी, सब आपको खरीदना होगा यहाँ के फेमस चीज़। देखिए अंदर लेदर के सब बेल्ट और सब ड्रेस सब अवेलेबल मिलेगा, अंदर सब अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। यहाँ से आओगे, मैंने देखिए यहाँ से वहाँ चला गया था उस गेट के पास उस साइड, लेकिन आप यहाँ से सीधा इधर आ सकते हैं और ये पैलेस यहाँ से इस प्रकार से दिखता है। ये देखिए कितना सुंदर है। और सेकंड बात ये कि अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब तो चैनल जाके सब्सक्राइब, सिर्फ चैनल ही सब्सक्राइब करना है गाइज, इससे ज़्यादा आपसे कोई ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है। तो जाइए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि मैंने वहाँ से किया था वो सब आपको सामने से दिखाने के लिए, वो इसका मेन गेट था वो मैंने आपको बताया था ब्लॉक के अंदर, और मैंने वहाँ से एंट्री किया, वहाँ से घूम के इधर आया था, लेकिन आप सीधा यहाँ से जा सकते हैं या इस साइड से लेके और इस साइड जा सकते हैं। यहाँ देखिए अभी मेट बिछा के रखें, गर्मी में उसके कारण नहीं, लेकिन ये परमानेंट यहाँ रहते हैं। यहाँ एंट्री है, लेकिन टिकट आपको वहाँ से लेके आनी पड़ेगी, यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पार्किंग जो अपनी अपनी गाड़ी से पार्क किया तो वो लोग यहाँ से एंट्री डायरेक्ट कर लेते हैं। फिर चारों तरफ का व्यू दिखा देता हूँ, इस महल का चारों तरफ का, चारों तरफ से आपको दिखा दिया, और ये है सामने का, ये है पैलेस का बाहर का नज़ारा, ये मेन रोड मैसूर का, और ये देखिए यहाँ से चारों तरफ से पेड़, और ये है मेन गेट इसका एंट्री का, और ये यहाँ नारियल के पेड़, ये देखिए गाइस आपको कैसा लगा ब्लॉग, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस ब्लॉग को यहीं करते हैं, कोई नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मिलेंगे अच्छी सी जगह जाएंगे। तो अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जाके चैनल सब्सक्राइब कीजिए।